नमस्कार मित्रों, मैं हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पे, एक ऐसा योग जो कि अगर आपकी कुंडली के अंदर है या आप शादीशुदा नहीं हैं, शादी करने जा रहे हैं, तो कुंडली मिलान के टाइम पे इस योग को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये योग जो है, ये जो है कि आपके अगर कुंडली में हैं तो जो है कि आपकी जो जीवन साथी है या मतलब कि जिसकी कुंडली में ये है, आप देखने जा रहे हैं और आपके जीवन साथी के अंदर कुंडली में अगर ये है तो ये मतलब योग जो है कि मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि अवैध संबंध जो है कि वो देने वाला योग है। तो इसको पहले समझते हैं, क्योंकि एक तो सिर्फ राहु से बनता है और अगर उसके साथ में अगर शनि भी इन्वॉल्व हो जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं, तो इसके बारे में जानकारी आज मैं दूंगा। तो इसका उपाय भी लास्ट में बताऊंगा मैं, लेकिन पहले जानकारी ले लें कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं किसी जातिका से या जातक से तो उसकी कुंडली में ये योग ना हो। अगर है तो प्लीज पहले उपाय के बारे में सोचें या करनी है या नहीं करनी है वो आपके ऊपर है। तो मैं शुरू करता हूँ। तो पहले तो आपके जन्म पत्रिका के अंदर लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, इससे अभी कोई जिक्र नहीं है कि मतलब कि लगन स्पेशली ये होता है, लगन बनेंगे, लेकिन मेनली जो है हमें सातवां घर देखना है, सेवंथ हाउस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि सातवां घर जो है हमारे जीवन साथी का घर है और हम जीवन साथी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जीवन साथी का जो घर है, अपना सातवां घर है, इसके अंदर 4, 8, 12 जो नंबर्स होते हैं, इनकी जो राशियां होती हैं, अगर सीधे शब्दों में इसे समझा जाए तो कर्क, वृश्चिक और मीन, ये तीनों जो हैं हमारी जो जल तत्व राशियां हैं, जो कि इमोशनली राशि हैं। एक जो है हमारी जो बहुत ज़्यादा इमोशनल राशि है, दूसरी जो हमारी हिडन राशि है। तो इस तरीके से मतलब ये इमोशन से जुड़ी हुई राशियां हैं तीनों। अगर आपके जन्म पत्रिका के अंदर पहली कंडीशन तो ये कि यहाँ पर अगर आपकी जल तत्व राशि आ जाती है जो कि इमोशंस को शो करती हैं, फिर वहां पर जो है आपका राहु बैठ जाता है। अगर राहु यहां बैठ जाता है तो राहु जो है कि सप्तम भाव में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देता है, बहुत से शास्त्रों में इसका जिक्र है। लेकिन अगर ये जल तत्व राशियों के अंदर है तो ये बहुत डीपली जो है इन्वॉल्व कर देता है एक्स्ट्रा मैरिटल्स के अंदर, और ये फिर अपने जो है जीवन, जो अपना जो जीवन साथी होता है, जो पहले से इनका है, जो और मतलब कि लीगली जो जीवन साथी है जो बोल सकते हैं हम, उसके प्रति थोड़ा लापरवाह हो जाता है और जो कि उनके प्रति जो है मतलब कि मोह भंग होने का मतलब एक तरीके से इनके अंदर हो जाता है और जो दूसरे जीवन साथी के ढूंढ में लग जाते हैं और दूसरे जीवन साथी को चुनते हैं। तो ये एक योग है जो कि मतलब कि आपके जो 4 नंबर राशि हो या 8 नंबर हो या 12 नंबर हो अगर, तो आपका तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपने जो है कि अगर ये आपके जो 3 राशियां जो अगर मतलब यहाँ पर हैं और उसके अंदर राहु बैठा है तो ये मतलब कि संभावित है बहुत अंदर तक। मैं तो अपने मतलब अनुभव में ये देखा है कि मैंने तो 100% मेरे साथ ही अनुभव में आया है कि होता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि चलो 90% तो मान के चलिए इसको कि ये होना ही होना है। अब रह गई बात शनि की। शनि वैसे तो राहु के बहुत गहरे मित्र हैं, पर जो है कि वो अगर आपके राहु के साथ यहां आगे बैठ गए सप्तम भाव में और जल तत्व राशियों के अंदर ही आकर बैठ गए, तो पहले तो गौर करने वाली बात है, राहु हो या शनि हो, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और अपना वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल और जो है कि हमारे जो मीन राशि का स्वामी जो हमारे गुरु जी हैं वो इनके शत्रु हैं तीनों के। तो इनके जो शत्रु हैं और ये यहां पर जाके मतलब राहु और शनि के अगर मिलने से एक योग का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं धूर्त योग या षड्यंत्र योग भी बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है कि जो ये इकट्ठे हो जाते हैं दोनों, तो इन्होंने जो है कि धोखा देना ही देना है। और धोखा किनको देंगे, अगर ये जो आपके आपकी जन्म पत्री में है तो आप दूसरे को धोखा दोगे, और अगर आप आपके मतलब कि मान लीजिए कि जैसे कि बोला आप जीवन साथी को चुनने जा रहे हैं उनकी जन्म पत्री में यह है तो वो आपको धोखा देने वाले हैं, क्योंकि उनकी जन्म पत्री में है, तो जिसकी जन्म पत्री में यह है मौजूद वो धोखा देने वाला है दूसरे पार्टनर को। तो ये जो है मतलब कि जब आप अगर जा रहे हैं शादी के लिए, फिलहाल हाल फिलहाल देखने जा रहे हैं, आगे देखना है आपने, तो इस योग का जरूर ध्यान रखिएगा। ये मेरे अनुभव के अंदर तो 100% है, लेकिन 95-90% इसको मान के चलिए कि ये फलित होता ही होता है। और ये फलित कब होगा, जब शनि में राहु की दशा आएगी या राहु में शनि की दशा आएगी या परंतर दशा आएगी, परंतर दशा के अंदर मतलब कि अंतर दशा के अंदर परंतर दशा आएगी, जब भी इन दोनों का तीनों का दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा महादशा और अंतर दशा के अंदर, तो ये अपना रंग दिखाना चालू कर देते हैं और वहां पर आप धोखा
जो आगे दोगे दोगे अपने पार्टनर को, अगर ये आपकी कुंडली में तो आप धोखा दोगे, अगर उनकी कुंडली में है तो वो आपको धोखा देंगे। तो इस तरीके से ये तो बात हुई इस योग के बारे में, जो कि ध्रुत योग के नाम से जाना जाता है हमारे शास्त्रों के अंदर, जो कि बहुत ही बेकार योग माना जाता है। अब इसके उपाय के बारे में, मान लीजिए कि आप शादीशुदा हैं और ये आपके पार्टनर के जीवन साथी के या आपके मतलब कि जन्म पत्रिका के अंदर ये योग मौजूद है, तो अब इसके उपाय क्या किया जाए। तो उपाय के तौर पे जो हमारा कपूर आता है, जो आपकी आपको जो हवन धाम में मतलब जब आग प्रज्वलित की जाती है, तो वो एक कपूर जो पंडित जी मंगाते हैं जिनसे कि आग प्रज्वलित की जाती है, वो जल्दी आग पकड़ता है, वो पूजा में काम आता है। तो उस कपूर को लें और डेली जो है कि शनिवार से स्टार्ट करें इसको, और जो है कि कम से कम जो है कि ये लगा लीजिए कि आप सात शनिवार, क्योंकि सात जो सातवें घर के लिए हो रहा है काम, तो सात शनिवार तक जो है कि आप रेगुलरली जो है कि धुनी शनिवार के शनिवार जो है कि कपूर की धुनी दें अपने घर में सोने जाने से पहले, बेडरूम के अंदर अच्छे तरीके से धुनी दें, उसके बाद सोने के लिए जाएं, तो आपको काफी राहत मिलेगी। राहत क्या मतलब कि 100% सॉल्व हो जाएगा इस काम, और जो कि 2 से 3 हफ्ते जब आप करोगे इसको तो आपको बहुत ही फर्क नजर आएगा आपके जीवन साथी के जो है कि व्यवहार के अंदर, बोलचाल के अंदर आपको फर्क आना चालू हो जाएगा। तो ये तो आज का विषय था, एक योग था जो मैंने सोचा कि जरूरी है बताना अपने यूट्यूब चैनल के जो मित्र हैं, जो देखते हैं, जिज्ञासा है जिनको, जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष मित्र हैं मेरे, अब उनको तो मेरे से ज्यादा मालूम ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जो मेरा अल्प ज्ञान था उसके हिसाब से जो है मैंने इसका विश्लेषण किया। आशा आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे और भी योगों के बारे में, ऐसे ऐसे योग और बढ़िया योग जो होते हैं, उन सब योगों के बारे में धीरे धीरे आगे चर्चा करता रहूंगा। तब तक के लिए अपनी वाणी पर विराम देते हुए नमस्कार।